नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। मध्य प्रदेश के धार में बनी भोशाला मंदिर है या मस्जिद, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए कोर्ट के आदेश पर एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगातार 98 दिन तक वैज्ञानिक सर्वे किया। एएसआई की रिपोर्ट इंदौर हाई कोर्ट में पेश की जा चुकी है। टाइम्स नाउ नवभारत इकलौता ऐसा चैनल है जिसके पास एएसआई की ड्राफ्ट रिपोर्ट की कॉपी मौजूद है, और आज हम इसी ड्राफ्ट रिपोर्ट के जरिए ऐसे चौंकाने वाले खुलासा करेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। ऐसे खुलासे जिसके बारे में आप जानकर सन्न रह जाएंगे। एक बार की यकीन नहीं होगा कि इस देश की बहुसंख्यक हिंदुओं के धार्मिक केंद्र को कितनी बर्बरता से मिटाया गया। हम आपको आज ये भी बताएंगे कि कैसे 900 साल तक मंदिर की पहचान को मिटाकर उसे मस्जिद का रूप दिया गया। भोजशाला के खिलाफ आक्रमणकारियों के तमाम गुनाहों का कच्चा चिट्ठा आज मेरे हाथ में मौजूद है, और ये सारे सनसनीखेज सबूत हम आपके सामने मूड मीटर में रखेंगे। आपको हम पहले बताएंगे कि एएसआई की भोजशाला वैज्ञानिक जांच में क्या क्या मिला और उस पर एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है। फिर आपको नवभारत के कैमरे के जरिए एक एक सबूत की सच्चाई भी दिखाएंगे, वो भी भोजशाला के भीतर। सबसे पहले ये जान लीजिए कि एएसआई के जांच का मकसद क्या था और इसे कैसे किया गया। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक भोजशाला मंदिर या कमाल मौला मस्जिद के वास्तविक नेचर और कैरेक्टर का पता लगाना ही इस सर्वे का मकसद था, जिसके बाद सर्वे करके एएसआई ने 2000 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है। वैज्ञानिक सर्वे और खुदाई के दौरान मिले 1700 से ज्यादा प्रमाण और अवशेष इस रिपोर्ट में शामिल किए गए। तो आप ये समझिए कि ये जो रिपोर्ट है वो कितनी कॉम्प्रिहेंसिव है, कितनी विस्तृत तौर पे इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। और अब आपको ये बता देते हैं कि एएसआई की इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात क्या लिखी गई। एएसआई ने दावा किया है कि सर्वे के दौरान उसे कई प्राचीन मूर्तियां मिली है जो परमार राजाओं के दौर की हो सकती है, और इसी सबूत के जरिए यह भी दावा किया जा रहा है कि भोजशाला एक परमार कालीन इमारत है। सर्वे के दौरान सामने आए अवशेषों से लगभग तय माना जा रहा है कि यह परमार कालीन यानी कि 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच इसका निर्माण करवाया गया। और ये बात नहीं भूलिएगा कि हिंदू पक्ष लगातार दावा करता रहा है कि राजा भोज ने साल 1034 में मां सरस्वती के इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो जो हिंदू पक्ष का दावा है और जो सर्वे की रिपोर्ट है, जरा दोनों को मिलाकर देखिए। आपको हम आगे भी बताएंगे कि आखिर वो कौन कौन से सबूत हैं जिसकी बुनियाद पर एएसआई इस रिजल्ट तक पहुंचा है, इस नतीजे तक पहुंचा है कि भोजशाला का निर्माण 9वीं से 11वीं सदी के बीच हुआ था। लेकिन उससे पहले आपको कुछ सवाल बता देते हैं जिसका कि मूड मीटर में आपको देना है जवाब, और वो सवाल क्या है जरा एक बार देख लेते हैं जल्दी से। सवाल नंबर एक, भोजशाला के सर्वे रिपोर्ट को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि आज ये सर्वे जो रिपोर्ट आई है इसको हमने टुकड़ों टुकड़ों में आज पूरे दिन आपको दिखाया भी है, तो आप में से बहुत सारे लोग इससे वाकिफ भी होंगे। और आप क्या मानते हैं इस रिपोर्ट के बारे में, क्या समझते हैं? आपके सामने ऑप्शन है, सनातनी सत्य सामने आ गया है। ऑप्शन बी, आक्रमणकारियों ने जो जुल्म किया था उसके सबूत मिल गए हैं। और ऑप्शन सी, रिपोर्ट नहीं बल्कि कोर्ट का फैसला इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बाद ही फैसला हो। सवाल नंबर दो दिखाइए। सवाल दूसरा है कि रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष की प्रतिक्रिया को कैसे देखते हैं आप? और ऑप्शन है, मुस्लिम पक्ष की जिद जो है वो बेमानी है। ऑप्शन बी, मुस्लिम पक्ष को पीछे हट जाना चाहिए। और ऑप्शन सी, मुस्लिम पक्ष का ये लोकतांत्रिक हक है, अधिकार है कि वो इस ढांचे को लेकर अपनी दावेदारी पेश करे। तो ये सवाल नंबर दो है, क्या सोचते हैं इस सवाल के जवाब में हमें बताना शुरू करिए। और सवाल नंबर तीन दिखाइए, भोजशाला विवाद पर हो रही सियासत को कैसे देखते हैं आप? और ऑप्शन ए है, विपक्ष की सियासत शर्मसार है और शर्मनाक है। और ऑप्शन बी, विपक्ष तुष्टीकरण कर रहा है। और ऑप्शन सी, बीजेपी सरकार में बहुत मुमकिन है कि इस विवाद का भी इंसाफ हो जाए, न्याय मिल जाए। तो ये तीन सवाल हैं जिसका कि आपको आज जवाब देना है, और जवाब कैसे देना है ये आप अच्छी तरह जानते हैं।
आपके सामने जो टीवी स्क्रीन पे QR कोड दिखाई दे रहा है उसको जैसे ही आप अपने मोबाइल कैमरे से स्कैन करेंगे आपके सामने इन्हीं तीनों सवालों की लिस्ट खुल जाएगी। अपना जवाब भर के उसे सबमिट करना है और आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरनी है उसमें, क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज 4 लकी वोटर का भी चुनाव करते हैं। तो चलिए आपको अब बारी बारी से ASI की सर्वे रिपोर्ट की ड्राफ्ट कॉपी में जो सामने आ रही जानकारी है वो हम आपको दिखाते हैं। ये बताते हैं कि कैसे भोजशाला के सर्वे में सनातनी इतिहास का दावा और मजबूत होकर उठा। सबसे पहले ड्राफ्ट की कॉपी की जो का पेज नंबर 143 है उसके 9वें पॉइंट पर क्या लिखा गया है वो आपको मैं बताता हूं। यहां लिखा गया है कि जो वर्तमान में भोजशाला का स्ट्रक्चर दिखता है वो दरअसल बेसाल्ट यानी कि आग्नेय चट्टानों से बने पुराने स्ट्रक्चर के ऊपर ही पूरा का पूरा बनाया गया है। जो नीचे की अधोसंरचना है उसके ऊपर पूरा सुपर स्ट्रक्चर उसका बनाया गया है। और 10 नंबर पॉइंट पे लिखा गया है कि अभी भोजशाला में जो निर्माण दिख रहा है वो वास्तुकला का तीसरा फेज है और दूसरे फेज में तोड़ने फोड़ने का काम हुआ था और उसके पहले फेज में शुरुआती निर्माण हुआ, यानी कुल 3 बार इस इमारत का में 3 फेज से होकर गुजरा है। तो पहले फेज में मंदिर का निर्माण हुआ था, दूसरे फेज में उसे तोड़ा गया और तीसरे में उसके ऊपर एक मस्जिद बनाई गई। तो बुनियाद बेसाल्ट पत्थर की है जबकि ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो चूना पत्थर का, वो लाइमस्टोन। दोनों अलग अलग समय में बनाया गया है क्योंकि मंदिर पहले बना होगा और बाद में उसे तोड़ा गया होगा। हालांकि ऊपरी ढांचे के निर्माण में पहले की इमारत के कुछ पत्थर और पिलर्स ज्यों के त्यों इस्तेमाल कर लिए गए हैं और कुछ पत्थरों को उसको काट छाट के रिसाइज करके उसे इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि नीचे का बेसाल्ट का आधार बहुत करीने से तैयार किया गया है और उसमें एक सिमेट्री दिखती है, लेकिन ऊपर का स्ट्रक्चर ऐसा लगता है कि बहुत हड़बड़ी में बनाया गया। पत्थर जो है वो आड़े टेढ़े लगाए गए जिसमें कोई सिमेट्री नहीं दिखाई देती। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पुरानी इमारत में बहुत बड़े बड़े शिलालेख थे जिसे तोड़कर और उस पर उकेरी हुई जो लिपियां थी, जो लिखा गया था उसको खुरच कर पत्थरों को दोबारा इस्तेमाल कर लिया गया। संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में बहुत सारे शब्द अभी भी पढ़े जा सकते हैं, क्योंकि जो पुराने जो शिलालेख थे उनको तोड़ा गया, उस पर लिखे गए जो शब्द हैं उनको खुरचा गया, बावजूद इसके कुछ शब्द बचे रह गए जो अभी भी पढ़े जा सकते हैं। अभी जो स्ट्रक्चर है उसके एक पत्थर पर लिखा है शारदा सदन, और शारदा सदन का जिक्र पारिजात मंजरी नाटिका में, और उस नाटिका का संबंध परमार राजाओं के दौर। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक पुरानी इमारत के पिलर्स और बिम में बनाई गई जो आकृतियां और मूर्तियां हैं उसको तोड़ा गया था और फिर उन पत्थरों को रिसाइज करके उसे इमारत को बनाने में इस्तेमाल कर लिया गया। सर्वे के दौरान 94 मूर्तियां भी मिली हैं जिसमें से गणेश, ब्रह्मा, नरसिम्हा जैसी तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। और यह भी दावा किया गया है कि मस्जिद में ऐसे चिन्हों को नहीं होना चाहिए या अमूमन नहीं होते, इसलिए उन्हें मिटाने का भरपूर प्रयास किया गया जो कि सर्वे में साफ साफ पता लगता। पिलर पर जो कला और वास्तुकला दिख रही है उससे साफ साफ लग रहा है कि सब कुछ पुराने मंदिर का हिस्सा रहा होगा जिसे बाद में रीयूज कर लिया गया। रिपोर्ट में बार बार परमार राजाओं की कला के बारे में लिखा गया है। और क्या लिखा गया है, ASI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सर्वे के दौरान प्राकृत भाषा में 2 कविताएं भी लिखी हुई मिली, जबकि बहुत सारी जो शिलालेख थे उसको मिटा दिए गए, तोड़ दिए गए, उसको खुरच दिया गया, बावजूद इसके 2 कविताएं मिली हैं जिनमें से हर कविता लगभग 109 स्ट्रेंजा की। और पहली कविता का नाम है अवनिक उर्मासदम। अवनिक उर्मासदम जिसे कि महाराजा धीराज परमेश्वरा भोजा देव ने लिखा और दूसरी भी परमार किंग राजा भोज ने ही लिखी। शिलालेखों की शुरुआत में ओम सरस्वती नमः और ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि हिंदू पक्ष का मानना है कि पारिजात मंजरी नाटिका का पहला मंचन सरस्वती के इसी मंदिर में हुआ, और यहां मिले सबूतों से हिंदू पक्ष का यह दावा और मजबूत होता दिखाई दे रहा है कि यह देवी सरस्वती का मंदिर है। अब आपको ASI के रिपोर्ट में बताए गए सबूतों को वहां की तस्वीरों के सामने रखकर दिखाने की कोशिश करते हैं और फिर आप भी समझ पाएंगे कि भोजशाला की यह इमारत कमाल मौला मस्जिद है या देवी सरस्वती का मंदिर। जरा आपको
जरा दिखाइए, ये आप जब देखेंगे तो यहां पे जो बहुत सारे हिस्से हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें बहुत सारे शिलालेख, अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें एक हिस्सा है जिस पर कि जो शिलालेख जो लिखा गया था वो बहुत हद तक उसको खुरच दिया गया है, बावजूद इसके अभी भी पढ़ा जा सकता है और उस पे स्पष्ट तौर पे ओम सरस्वती नमः और ओम नमः शिवाय लिखा हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा इसमें बीच में एक जो वेदी जैसी चीज दिखती है जो कि इसके यज्ञशाला होने की का जो प्रमाण के तौर पे अभी भी मौजूद। तो ये इस तरीके की जो आप देखते हैं कि वेदी नुमा चीज जो है, आप देखिए जैसे यज्ञ की वेदी होती है जिसमें हवन किया जाता है, जिसमें समिधा डाली जाती है, जिसमें अग्निकुंड होता है, वो इस तरह की संरचना आपको हिंदुस्तान के या दुनिया के किस मस्जिद में आपको देखने को मिलेगी? कहीं नहीं मिल सकती, लेकिन ये भोजशाला में। इसके अलावा इस पे जो देखिएगा कि जिस तरह की नक्काशी की गई, आप अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे, ऊपर की तरफ थोड़ा एक काला हो गया इसलिए नहीं पढ़ने में आता है, लेकिन नीचे अब देखिए इस तरह के चिन्ह लिखे इसमें दिख रहे हैं, ये इनग्रेविंग्स हैं, ये कार्विंग किया गया है। और इसमें नहीं, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये प्राकृत भाषाओं के शब्द हैं और चिन्ह हैं जो कि जिसका कि कुछ खास मतलब हुआ करता था, और उसको उसमें ये सब इस तरह के चिन्ह जो है आप देखिए इसमें आप स्वास्तिक आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं, और भी बहुत सारे इस तरह के चिन्ह हैं जो कि प्राकृत भाषाओं में खूब फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं। इस तरह के चिन्ह वहां पर दिखे हैं और कितनी कितनी संख्या में दिखे हैं, देखिए अगर आप देखेंगे परमार शब्द, ये सोदज शब्द या परमार शब्द दो बार दो जगह दिखाई देता है, उसके बाद इसके अलावा फलपाल या जो भी लिखा हुआ है, ये सब सोमदेव लिखा हुआ है संभवतः, यहां आप देखेंगे सोमदेव, ये इस तरह के शब्द हैं जो कि हिंदुस्तानी या यूं कहें कि भारतीय संस्कृति और भारतीय जो वैदिक परंपरा है उससे जुड़े हुए शब्द हैं जो कि वहां पर अभी भी पढ़े जा सकते हैं। हालांकि बहुत सारे जो उस पर जो इंग्रेविंग्स थी, जो उस पर शिलालेख थे, उसको खुरच के उसको हटा दिया गया है, उसके बावजूद भी जो शब्द उन्होंने अपने सर्वे में देखा पाया वो उन्होंने लिखा है कि कौन कौन से शब्द और कौन कौन से चिन्ह कितनी जगह पे और कहां कहां उनको मिले हैं। तो इस तरह की रिपोर्ट में ये सारी चीजें शामिल की गई। इसी रिपोर्ट के पेज नंबर 149 पर भी बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई, 49वें पेज के जो 49 नंबर पॉइंट है, 149वें पेज के 49 नंबर पॉइंट पे साफ साफ लिखा गया है कि संस्कृत और प्राकृत शिलालेख अरबी और फारसी जो शिलालेख हैं उससे पहले के, कुछ अरबी फारसी शिलालेख भी मिले हैं। तो इसी आधार पे दावा ये किया जाता है कि भाई ये हो सकता है कि ये मस्जिद हो पहले, और इसी के हवाले से भी दावा किया गया कि जिन्होंने संस्कृत और प्राकृत के शिलालेख तैयार करवाए उससे पहले की ये इमारत है। लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया कि ये जो प्राकृत और संस्कृत के शिलालेख हैं वो अरबी फारसी वाले शिलालेख से बहुत पहले थे। तो इसी से आप समझ लीजिए कि जो ये सर्वे है वो कितना इम्पॉर्टेंट है और कैसे इस सच को उजागर कर रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप कभी अगली बार धार जाएं तो अब्दुल्ला शाह चंगाल की जो धार में उनका जो मकबरा है वहां जाकर जरा देखिए, और उस मकबरे के दरवाजे पर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि खिलजी राजा महमूद शाह के बारे में उसने बताया है कि ये बहादुर आदमी जब धर्म के केंद्र के पुराने मठ में पहुंचा और मठ में जहां कई लोग इकट्ठा थे वहां कत्लोगारत करने के बाद वहां से आकर इस बहादुर आदमी ने कैसे मूर्तियों को बर्बाद किया और मंदिर को भी मस्जिद में बदल दिया, ये तमाम बातें उस पर लिखी हुई है। अब ASI ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मूर्तियों के टुकड़े पिलर पर जो नागकर्णिकाओं के चिन्ह हैं वो सबसे स्पष्ट हो रहा है कि भोजशाला मंदिर के साथ साथ शिक्षा का भी एक बड़ा केंद्र था, जैसा कि हिंदू पक्ष दावा करता रहा, और ये परमार काल का है। तो वैज्ञानिक सर्वे, खुदाई में जो वास्तुकला मिली है, मूर्तियों के जो अवशेष मिले हैं, जो शिलालेखों पे जो लिखा हुआ है और जिस तरह के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जिस तरह की लिपियां मिली हैं, उससे स्पष्ट होता है कि जो मौजूदा निर्माण है उसे पुराने मंदिर के हिस्सों से बनाया गया, और पुराने मंदिर को या पुराना जो स्ट्रक्चर था, अगर मंदिर हम आज न भी कहें क्योंकि कोर्ट में मामला है, तो पुराना स्ट्रक्चर जिसको जो कि माना जा रहा है कि ये सरस्वती
देवी सरस्वती का मंदिर था उसको तोड़कर बनाया गया। फिर भी जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ रहा है तब तक इसको लेकर के सियासत हो रही है और दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। जरा मुस्लिम पक्ष का दावा सुनिए। 1902-1903 में जब सर्वे हो चुका था तो इस सर्वे की कोई आवश्यकता नहीं थी, और 1902-3 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे कमाल मोला मास्क बोल चुकी है, 98 में विमल कुमार गोदाजी की एक याचिका इंदौर हाईकोर्ट में लगी थी जिसके अंदर भी एएसआई ने अपना शपथ पत्र दिया और उसमें कहा दिस इज ए कमाल मोला मास्क, भोजशाला कहाँ है ये एक मिस्ट्री है। तो मुस्लिम पक्ष के इस दावे के बारे में आपको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि जिस 1902 के सर्वे के बारे में कहा जा रहा है उस सर्वे के बारे में एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में भी बहुत कुछ कहा, और एएसआई ने कहा है कि 1902 में कोई सर्वे नहीं हुआ था बल्कि तब अंग्रेजों के कहने पर सिर्फ मरम्मत और संरक्षण का काम हुआ और तब भी दो पिलर पर नागबंध मिले थे जो कि हिंदू मंदिर के एक तरीके के सबूत। तो साफ तौर पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि धार भोजशाला में सनातन के अनगिनत निशान हैं। हिंदू पक्ष के दावे में कितना दम है इससे जाने के इसको हम जानने के लिए भोजशाला परिसर में आपको लेकर चलते हैं, जहां हमारे रिपोर्टर्स गए, जहां हमारे सहयोगी गए और उनको उनकी उनके कैमरे में जो चीजें कैद हुई है एक बार आप और देखिए, आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि कमाल मौला मस्जिद होने का इसका दावा कितना पुख्ता है। ये जिस जगह पर मैं चल रहा हूँ इसका जो निर्माण कार्य है वो पिछले कुछ सालों में बदला गया है। 1997 में यहाँ पर खुदाई की गई थी जिसमें बहुत सारी मूर्तियाँ भी निकली थीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये हवन कुंड है। इस हवन कुंड में यज्ञ हुआ करते थे, ये यज्ञशाला हुआ करती थी। भोजशाला नाम इसका इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण हवन किया करते थे और जो आचार्य थे उनकी यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि ट्रेनिंग हुआ करती थी और उनके इस ट्रेनिंग के दौरान उनको हवन करने की जो शिक्षा दी जाती थी वो यहीं पर दी जाती थी। और ये जो आप इसके नज़दीक जो नालीनुमा आकृति देख रहे हैं इससे घी का विसर्जन इस हवन कुंड में किया जाता था। ये जानकारी तमाम ग्रंथों में तमाम जगहों पर मिलती है। और ये जो पूरा 84 खम्भों का पूरा ये मंदिर है, यहाँ पर फिलहाल हिंदू पक्ष के लोगों का यह दावा है कि इसको तो खोदने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तो आपको वैसे ही तमाम आकृतियाँ और तमाम भगवान आपको दिख जाएंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो नज़रों से दिख रहे हैं, आपको तो खोदने की भी ज़रूरत नहीं। जैसा राम मंदिर के वक्त पर हुआ कि आपको खुदाई करनी पड़ी, वहाँ से नीचे से अवशेष निकालने पड़े, जो ज्ञानव्यापी में हो रहा है। और अब हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उस जगह की, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको भोजशाला की, जहाँ पर आपको साफ तौर पर नज़र आएगा कि यहाँ पर मंदिर के ही अवशेष हैं। देखिए तस्वीरें, आपको नज़र आ रहा होगा ये जो खम्भे हैं ये यहीं पर खुदाई के दौरान मिले हुए खम्भे हैं जिन पर शिव पार्वती की आकृति साफ तौर पर आपको नज़र आएगी, वराह की आकृति आपको साफ तौर पर नज़र आएगी। और किसी भी मस्जिद में, किसी भी दुनिया की किसी भी मस्जिद में आपको ना किसी भगवान की आकृति मिलेगी ना वराह की आकृति मिलेगी। तो जाहिर है कि मुस्लिम पक्ष का दावा अपनी जगह हो सकता है, उनके अपने साक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन एक एक खंभा, यहाँ की एक एक ईंट, यहाँ का एक एक पत्थर ये साफ तौर पर बताता है कि यहाँ पर 1000 साल पुराना एक मंदिर था। तो एएसआई के सर्वे से बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका है और ये स्पष्ट हो चुका है कि इस जो ये जो अभी मौजूदा ढांचा है इसके निर्माण में इसके पहले के जो ढांचे हैं उसको तोड़कर जो सामग्री मिली, जो उसको तोड़कर जो पत्थर मिले उसका इस्तेमाल किया गया है। और वो पत्थर आज चीख चीख कर बता रहे हैं कि इसके पहले इस ढांचे का असली स्वरूप क्या था, और वो स्वरूप था एक मंदिर का, जिसका कि जिक्र इतिहासों में भी है, स्मृतियों में भी है और लोगों की, खैर जो एक हमारी जो पब जिसको आप कह सकते हैं कि जनता की स्मृति उसमें तो है ही। बावजूद इसके मुस्लिम पक्ष की इतनी अलग राय है और इसीलिए इसको लेकर के आज बहस चल रही है। आज इसी बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। विनोद बंसल विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असगर खान सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, और हैदर मुजीब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके अलावा विष्णु शंकर जैन अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। असगर खान, जो रिपोर्ट अभी आई है एएसआई की, इस रिपोर्ट को देखने के बाद मतलब ये अपने आप में कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, तो जो कुछ है वो प्रत्यक्ष है,
उस सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वहां के पत्थरों पर जो जिन लिपियों में जो कुछ लिखा गया है कि वह शारदा सदन और जिस तरह के शब्द जिस तरह के चिन्ह वहां अंकित हैं आज भी उन पत्थरों पे, जो पिलर्स हैं उन पिलर्स पे जिस तरह के अभी हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पे, जिस तरह की आकृतियां आज भी मौजूद हैं, वो ये चीख चीख कर बता रही है कि ये और कुछ भी हो सकता है, कम से कम मस्जिद तो नहीं हो सकती। बावजूद इसके मुस्लिम पक्ष अड़ा हुआ है अपने दावे पर। क्यों? देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि ये मंदिर था या मस्जिद थी, दो जो कुछ भी था वो सब हमारा था, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे मुल्क का था। लेकिन हाँ, ये भी सवाल है साथ साथ कि अगर मंदिर था तो किसने उसे तोड़ा और किसने उसे बनवाया। ये एक बड़ा अहम सवाल है जो मेरी आगे की बात हुई उससे, चूंकि अभी आपने बताया कि साहब उसके पुराने पत्थरों और जो पत्थरों पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, उसके साथ साथ आपने ये भी बताया कि उसको खुरच दिया गया था। हाँ। जाहिर बात है कि ये बनवाई तो किसी राजा ही नहीं होगी भाई, मुगल ने, बादशाह ने, राजा ने, किसी किसी हमारे जैसे गरीब आदमी ने नहीं बनवाई होगी। अगर मस्जिद भी बनवाई मंदिर के बाद या पहले, ये सब बातें बात की है, लेकिन ये सवाल है कि किसी राजा ने अगर बनवाई तो अगर उसने खुरचवाया तो फिर पूरे क्यों नहीं खुरचवा दिया? जो आपको आज नजर आ रहा है वो भी नजर नहीं आना चाहिए था, अगर चूंकि वो काम ऐसे तो होते नहीं थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने ताजमहल बनाए, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है जिनके आप नाम ले रहे हैं। अगर उस लेवल के वो लोग थे तो मेरा एक सवाल ये है, जो बड़ा सवाल है, कि भाई उन्होंने वो पत्थर क्यों लगवाए जो मंदिर में से निकले थे? क्या उनके पास पैसे नहीं थे? क्या वो इतने गरीब थे? क्या पत्थर अवेलेबल नहीं थे? क्या सहूलियात नहीं थी? वो पत्थरों से ऐसे काम लिया करते थे कि उन्होंने लाल किला बनवाया, उन्होंने कुतुब मीनार बनवाई, उन्होंने ताजमहल बनवाया, तो क्या वहां उनके पास मस्जिद के लिए पत्थर के लिए पैसे नहीं थे या पत्थर मौजूद नहीं थे? और बहुत सारे ऐसे सवाल है। अंग्रेजों ने, आपने कहा कि उसे मरम्मत कराई, अंग्रेज ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, अगर उन्होंने मस्जिद की मरम्मत कराई तो मस्जिद की मरम्मत कराई भाई, उस मस्जिद होगी तब मस्जिद की मरम्मत कराई। ठीक है, अगर मैं आपकी बात कह रहा हूँ, मैं दूसरी तरफ सर्वे की तरफ नहीं आ रहा, फिर आप हालांकि उसके बाद हमारा कहना है कि वो सर्वे था। उसके अलावा और जो आपने अभी हौज दिखाई वो बिल्कुल सीधे सीधे एक वजू की हौज नजर आ रही है। एक और बड़ा सवाल है कि आपने कहा हर चीज बाहर से नजर आ रही है, तो अभी आपके दूसरे आप नहीं नहीं असगर खान नहीं मैं आप अब ठीक है, आपकी बात करीब करीब आ गई। मैं एक बात आपको कहना चाह रहा हूँ, जो हम राम मंदिर पे गए भाई, हम बाबरी मस्जिद पे गए, दुनिया के किस मस्जिद में इस तरीके से हवन कुंड के आकार का, हवन कुंड के आकार का वजू खाना होता है? जरा पहली बात ये बताइए, किस मस्जिद में, किस मस्जिद के पिलर्स में, पिलर्स में देवी देवताओं की मूर्तियां होती है? किस मस्जिद के पिलर पे स्वस्तिक का निशान होता है? किस पिलर पे, किस मस्जिद के पिलर्स पे शिलालेख में शारदा सदन लिखा होता है? सर मैं चाहता हूँ लोगों तक जरा सही बात भी पहुंच जाए, थोड़ा सा मुझे एक जो सही बात है वो तो एएसआई बता रहा है। असगर खान, असगर खान आप जो भी कह रहे हैं, आप जो भी कह रहे हैं वो सिर्फ कयासबाजी है। आप जो कह रहे हैं कयासबाजी है। जो जो एएसआई कह रहा है, एएसआई एक ऐसी एजेंसी है जिसका एक्सपर्टीज ही यही है, वो जो कह रहा है वो ज्यादा ऑथेंटिक है ना असगर खान? अरे भाई वो तो एएसआई, हाँ एएसआई बहुत अच्छी एजेंसी है, उन्होंने तो बाबरी मस्जिद की भी की थी, उन्होंने खुदाई, उन्होंने मथुरा की मस्जिदों में की, सारी पूरे हिंदुस्तान में वही कर रहे हैं, बहुत अच्छी एजेंसी है। हाँ, लेकिन तो उसकी जरूरत ही पेश कर रही है असगर खान। एक सिर्फ मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, मैं एक सवाल आपसे कहूंगा, कोई असगर खान, कोई असगर खान और रंजीत कुमार, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए असगर खान, असगर खान मेरी बात सुनिए पहले, आपकी बात आ गई ना, कि मैं कह रहा हूं कि कोई असगर खान और कोई रंजीत कुमार किसी 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 ऐतिहासिक ढांचे को देखकर क्या कहता है, क्या कयास लगाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस पर जो एक अथॉरिटी है, एएसआई है, जिसकी एक्सपर्टीज है, वो क्या कहती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एएसआई ने कह दिया है कि ये जो ढांचा है ये एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया इस्लामिक ढांचा है जिसे हड़बड़ी में बनाया गया। विनोद बंसल, अब बावजूद इसके असगर खान कह रहे हैं कि ये जो हवन कुंड जैसी दिख रही चीज है वो वजू खाना हो सकती, आप नहीं बोलने देना चाहते,
देखिए आप बताइए नहीं, अब देखो अगर कोई बात सच्चाई बोली तो आपको 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 ऊपर आरोप लग गए कि आपने बोलने नहीं दिया। आप देखिए जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं वो सामने सामने कोर्ट के पटल पर हैं, और कोर्ट में कोर्ट ने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला था। वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आखिर वो स्ट्रक्चर क्या था। आप मुझे बताइए अगर दुनिया का कोई कोई मस्जिद है क्या, कोई मदरसा है क्या, कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर है क्या जिसमें 94 मूर्तियां मिलती हों और मूर्तिकला के चित्रण और वास्तुकला के जो अद्भुत नजारे हों, वहां पर भगवान श्री कृष्ण, शिव, गणेश, ब्रह्मा, नरसिंह, भैरव और बरा, मानव पशु पक्षियों की आकृतियां मिलती हों, कोई एक तो बता दो। कहीं किसी मस्जिद में देखा है कभी शेर, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, सांप, कछुआ, हंस जैसी कोई मूर्तियां मिलती हो, कोई तो उसकी तस्वीर मिलती हो? दुनिया का कोई एक मस्जिद बता दीजिए जहां पर कि ये जो असगर जी कह रहे हैं कि वो वजू खाना है वो। अरे यज्ञ कुंड के शेप का वजू खाना कब से बनने लग गया भाई, मुझे बताइए कोई दुनिया का एक कोई जगह बता दो ना यज्ञ कुंड को आप सीधे सीधे वजू खाना कोई काम कर रहा है काशी विश्वनाथ में बनने की कोशिश की थी आपने। आप वजू खाने को आप जो बताएं वो वजू खाना है, वो हौज है वजू खाने की। मैं एक मेरा सवाल और है साहब, तो मैं तमाम बातों के बावजूद तमाम चीजों के बावजूद मेरा एक सवाल है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप बैठ के क्या होगा भाई? आप हैं तो नाम के वकील, अरे प्लेसेस ऑफ वर्शिप बैठ के क्या होगा? अपने पार्लियामेंट में जाओ, जाके पहले उसको चेंज करो, पहले उसके लिए वोटिंग करो। आप यहाँ आके बैठ जाते हैं, अरे उनसे कहो भाई, अपनी सरकार से कहो जिनके कहने पर आप यहाँ आके बैठ के बात कर रहे हैं, आप ट्यूशन दिए हुए लोग हैं, आप उनसे कहिए जाके कोर्ट में पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जानते हैं आप, किसे कहते हैं, किस लिए है, कोर्ट में अभी पेंडिंग है, उसके अलावा भी आप अभी उसको मंदिर क्यों कह रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं तो आप मंदिर मंदिर क्यों कह रहे हैं भाई? असगर खान मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लीजिए। एक मिनट असगर खान या तो आप कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लीजिए, और नहीं तो कम से कम जो स्पष्ट रूप से यज्ञ कुंड दिख रहा है, हवन कुंड दिख रहा है, उसको वजू खाना तो मत बोलिए। हम तो कर ही रहे, अरे भाई ये हमारी धार्मिक भावना पर आरोप कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अरे कम से कम क्या और एहतराम करें। ठीक है ठीक है, हैदर मुजीब हैदर मुजीब के पास जाता हूँ मैं। हैदर मुजीब भाई ये क्या सिलसिला चल रहा है कि कहीं कहीं शिवलिंग को फब्बारा कह दो और कहीं यज्ञ कुंड जो दिख रहा है स्पष्ट उसको वजू खाना कह दो। भाई जब आप या तो आप मुकदमा अगर लड़ना है तो मुकदमे का इंतजार करिए फैसले का, और नहीं तो जो एक्सपर्ट कमिटी एक एक्सपर्ट बॉडी जो बोल रही है जो बात उसको तो कम से कम सुनिए, उसको तो संजीदगी से सुनिए। रंजीत साहब मैं बड़ी बारीकी से आपकी बातों को सुन रहा था, मेरे मन में एक शायरी है कि किसी ने कहा था कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा, जिन्होंने मस्जिदों को उजाड़ डाला कभी तो उनका भी हिसाब होगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पुराने जमाने की जो मस्जिद है, पहले पानी की निकासी नहीं हुआ करती थी, चाहे वो ज्ञानवापी पे अगर मैं जाऊँ तो वहाँ भी आपने फुहारे को जो हौज था उसको आपने कह दिया यहाँ शिवलिंग था। मैं तमाम हिंदू भाइयों की बातों को मानता हूँ, उनकी भावनाओं का आदर और सम्मान करता हूँ, मैं केवल एक बात यह कहना चाहता हूं कि मेरा नाम हैदर मुजीब है और मैं मुसलमान हूं इस मुल्क में। आप राम मंदिर का हमने अच्छे तरीके से सम्मान करा, ज्ञानवापी का हमने करा, आप अच्छा। मुद्दों को डाइवर्ट करके जो मुसलमानों की धरोहर है, ये कितनी पुरानी मस्जिद है, कमाल मौला मौस का इतिहास बहुत पुराना इतिहास है। किस एक मिनट हैदर मुजीब क्या आप भोजशाला गए हो कभी? आप मैं नहीं गया, पर मुझे कौन सी धरोहर है, कौन सा धरोहर है भाई? मैं एक बात कह रहा हूं, और आपने क्या सम्मान किया राम मंदिर का? राम मंदिर का फैसला इस देश के कोर्ट ने, इस देश के अदालत में तय हुआ, आपने कोई मुसलमानों ने तय नहीं किया, पहली बात तो यह है, इस देश की अदालत ने तय किया। देखिए पहली बात तो, और दूसरी बात केवल एक बात ये कहना चाहता हूं, दूसरी बात का मुसलमान धरोहर हिंदू भावों की भाइयों की भावनाओं से कभी भी नहीं खेलता है। भावनाओं का सम्मान किया होता, हमने तो हमेशा सम्मान कराया, हमने तो राम मंदिर का सम्मान कराया, और हम तमाम लोगों से ये कहना चाहते हैं कि राम मंदिर इस मुल्क में काफी दिनों से अटका हुआ था, वो राम मंदिर बन गया, सारे भाई मुसलमानों की दया से नहीं बना,
मुसलमानों की मुसलमानों के वजह से नहीं बना, तो आप मुसलमानों के बावजूद बना, इस बात को याद रखिएगा। आप ये करना चाहते हैं कि जो ये कमाल मौला मस्जिद जो इंदौर में आप भाई इस देश वरना मुसलमानों का वश चलता तो कभी नहीं बनता। आपने तो कभी नहीं बनने दिया, आप तो हमेशा विरोध कर रहे थे उसका। आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये कमाल मौला मॉस्क हमारी धरोहर है और हमारी बहुत पुरानी मस्जिद है। अगर कोई भाई वही तो मैं कह रहा हूं कि हम इन मस्जिद को छीन लें, जो एएसआई कह रहा है ये काम हम नहीं करेंगे। एएसआई जो कह रहा है वो झूठ कह रहा है, कोर्ट से पूर्ण तरीके से यकीन है। हैदर मुजीब जो एएसआई कह रहा है वो झूठ कह रहा है, आप बोल दो ना कि एएसआई जो कह रहा है झूठ कह रहा है, बोलो आप। उसका हम सम्मान करते हैं और कोर्ट का निर्णय पे हम इंतजार करेंगे। सम्मान भी करते हैं लेकिन मान भी नहीं करते, अजीब बात है। रंजीत जी बड़ी अजीब बात है, ये कहते हैं सम्मान भी करते हैं लेकिन मान भी नहीं करते, मानेंगे भी नहीं और तानेंगे भी नहीं। आप कह रहे हैं कि वहां तो यज्ञ होता था, आप हौज को यज्ञ की जगह बता रहे हैं। आप भी तो देखिए अरे हौज पे आप अटक गए भाई, वहां के एक मिनट हैदर मुजीब आप बताइए कि दुनिया की किस मस्जिद के पिलर पर देवी देवताओं की मूर्तियां होती है, किस मस्जिद के दीवारों पे जो है ना प्राकृत और संस्कृत में श्लोक लिखे रहते हैं, कहां पर किसके किस मंदिर के एक मिनट किस मस्जिद के पत्थर पर शारदा सदन लिखा रहता है भाई, कहां दुनिया में बताइए ना कोई मस्जिद हो। तो मैं आपके आपका नेशनल टीवी है, आपके माध्यम से मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश की आवाम इस न्यूज को सुन रहे हैं। हाँ। देखिए पहली बात तो यह है कि 98 दिनों का जो 98 डेज का जो सर्वे हुआ था, ये अभी 200 पेजों की रिपोर्ट बाकायदा इंदौर हाई कोर्ट में सौंप दी गई और मुझे पूर्ण तरीके से यकीन है कि ये जो मस्जिद है अगर इसमें नया आप हवा यानी कि एक तरीके से लोगों का रुख बदलने का काम कर रहे हैं तो इसका इंदौर की जनता धार बुरशाला की जनता भी जानती है कि ये पुराना एक मुसलमानों की धरावर है जिसको कमाल मौला के नाम से जाना जाता है। अश्विनी दुबे, हमें अश्विनी दुबे को जरा शामिल करते हैं इस मस्जिद चर्चा में भाई, को एक एक एक्सपर्ट कमेटी वो भी हाई कोर्ट के कहने के बाद उसने एक करीब करीब 100 दिन तक सर्वे करके एक इतनी डिटेल से रिपोर्ट तैयार की है जिसमें कि एक दो नहीं 1700 सबूत हैं, 1700 सबूत और 2000 पन्नों से ज्यादा की रिपोर्ट है वो, जिसका कि समरी 200 पेज का है करीब करीब। भाई आप सोचिए कि इतनी डिटेल रिपोर्ट में एक एक बात बताई गई है कि कैसे पहले पुराना स्ट्रक्चर क्या था, बाद का स्ट्रक्चर कैसे तोड़कर उसको बनाया गया, कैसे पुराने स्ट्रक्चर के पत्थर को कांट छाट के तोड़ के उस पर जो लिखी हुई लिपियों में जो लिपियां लिखी हुई थी संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में उसको खुरच करके उस पर जो देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई थी उसको तोड़ करके रिसाइज करके उसको आड़े टेढ़े तरीके से हड़बड़ी में इस्तेमाल कर लिया गया जिसमें कोई सिमेट्री नहीं दिखती, ये तमाम सबूत उसमें ऐसे ऐसे एक नहीं 1000 सबूत हैं, बावजूद इसके पूरा मुस्लिम पक्ष कहने पर वो अटका हुआ है कि भाई ये मुसलमानों की धरोहर है मस्जिद है। ने साइंटिफिक सर्वे कराने का आदेश दिया था और वो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पिछले राउंड के लिटिगेशन में भी आया था जहां सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार के एएसआई और साइंटिफिक सर्वे पर रोक लगाने से मना कर दिया। अब आज जब 2000 पेज की जो रिपोर्ट है वो साइंटिफिकली एडवांस रिपोर्ट और उसमें तमाम वो पहलू हैं जो ये साबित करते हैं कि राजा भोज ने उस मंदिर को बनवाया था 1034 में और संस्कृत की पढ़ाई के लिए से कलाकृतियां भी आप मंदिर के ऊपर देखेंगे तो वो सब ऐसी हैं जैसे संस्कृत की वहां पर शिक्षा ग्रहण करवाई जा रही हो और ये एडमिटेड फैक्ट है कि 1034 से 6 शताब्दी के बाद मुगल आक्रांताओं ने उसे तोड़ दिया था और मस्जिद बना दी थी। तो अब वही नहीं बाकी भी जहां जहां की डिबेट्स चल रही है वहां आप देखिए तो जब कोर्ट की भी बात होती है जब कोर्ट ने कहा कि भाई साइंटिफिक सर्वे होगा एएसआई की रिपोर्ट आएगी अब फिर आप उस पर जो है कह रहे हैं आप उस एडमिटेड साइंटिफिक एडमिटेड फैक्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये साबित करता है कि आप जो आपकी बिल्कुल भी जो हिंदुओं के धर्म स्थान है हिंदुओं की जो पुरातन संस्कृति है उससे लेना देना नहीं है। राम मंदिर की बात अभी हो रही थी डिबेट में, राम मंदिर पे कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। राम मंदिर में सबसे पहले 5800 पेज की जस्टिस सुधीर अग्रवाल और बाकी जजेस की जब लखनऊ बेंच ने जो जजमेंट दिया
फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच ने यूनानिमस जजमेंट दिया, उस यूनानिमस जजमेंट के बाद वो बना। आप अगर इतनी बात है तो ज्ञानवापी के केस में आप देखिए, तब तो सीधे एडमिटेडली दे देना चाहिए कि भाई ज्ञानवापी को भी 1669 में डॉक्यूमेंट कहता है तोड़ के बनाया गया। आज भी जब ऐसी बात आ रही है, साइंटिफिक सर्वे में रिपोर्ट आ रही है, तो आप कोर्ट कहते हो कोर्ट का आदेश भी मानेंगे और फिर कहते हो कि नहीं साहब वहां पर तो हमारे हमारा पहले तो हमारी हुकूकों की लड़ाई है और हम इसको पुरजोर तरीके से लड़ने का काम करेंगे और हमें इंदौर हाई कोर्ट से पूर्ण तरीके से यकीन है कि ये फैसला मुसलमानों के पक्ष में आएगा। और ये कमाल मौला मस्जिद बहुत पुरानी मस्जिद है और हर मुसलमान की धरोहर है। बारे में माननीय हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि ये एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पर। वो आप इंदौर हाई कोर्ट नहीं है, 200 पेज जो 2000 पेजेस की रिपोर्ट जो एएसआई ने सबमिट करी है उसमें 200 तरीके से हमें यकीन है, पर ये फैसला इंदौर हाई कोर्ट करेगी ना कि आप बैठ के करेंगे। लेकिन हैदर मुजीब जो हमने कहा, जो हमने दिखाया आपको और ये जो हम आपको अभी भी तस्वीरों में सबूत दिखा रहे हैं, ये सब कैमरे में कैद है भाई, और ये सब एएसआई रिपोर्ट का हिस्सा है आज की तारीख में। तो एएसआई की रिपोर्ट से बड़ी नहीं है जनाब। मैं कहना चाहता हूं रंजीत जी, एएसआई इंदौर हाई कोर्ट से माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ी नहीं है। ये फैसला जुडिशियरी करेगी, जजेस करेंगे और हमें पूरी तरीके से यकीन है। हम कहना चाहते हैं कि इंशाल्लाह ताला ये कमाल मौला मस्जिद ये हर मुसलमानों से जुड़ी हुई है। अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसको राम मंदिर पे हमने सम्मान करा, राम मंदिर पे फैसला आया, ज्ञानवापी पे हम सम्मान करते हैं, हमें पूर्ण तरीके से इंदौर हाई कोर्ट पे यकीन है कि जो 98 डेज का जो सर्वे चला है, चाहे वो 22 मार्च से 27 जून तक का चला है, तो 2000 पेजेस में आपने कुछ पेजेस को पढ़ के कोट कर दिया है कि इस तरीके से यहाँ देवी देवताओं की मूर्ति लिख ली है। आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला ये फैसला हर एक मुसलमान के हक में आएगा। इतनी ताकत नहीं है जो आप कुछ। ठीक है, जरा एक बार हमने कुछ सवाल किए थे इस कार्यक्रम की शुरुआत में, जरा एक बार देखते हैं लोगों की राय क्या है इस पे, जरा एक बार उसको भी शामिल करते हैं। और हमने जो सवाल किया उसका एक बार देखिए क्या कह रहे हैं लोग। भोजशाला के सर्वे रिपोर्ट को कैसे देखते हैं आप, इतना सब कुछ कार्यक्रम देखने के बाद लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। 75% लोग कह रहे हैं कि ये सनातनी सत्य है, ये सच है सनातन का जो कि सामने आ गया है इस रिपोर्ट के बाद, इस सर्वे के बाद। और 18% या 19% लोग कहिए कि ये कहते हैं कि आक्रमणकारियों का जो जुल्म है उसकी पोल खुल गई है, वो उजागर हो गया है। और ये सिर्फ रिपोर्ट नहीं, कोर्ट का फैसला बड़ा होगा ऐसा मानने वाले लोग करीब 5.5% या 6% लोग हैं, जो ये कहते हैं कि इस रिपोर्ट तो ठीक है लेकिन कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, उसी से फैसला होगा कि ये असल में कमाल मौला मस्जिद है या कि सरस्वती का मंदिर। सवाल नंबर दो, हमने पूछा कि रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष की प्रतिक्रिया को कैसे देखते हैं आप, और इसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं। करीब 67.5% लोग ये कह रहे हैं, 67.5% लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष की जो जिद है वो बेमानी जिद है, इसका कोई मतलब नहीं। और करीब 30% लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम पक्ष को खुद ब खुद इससे पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि सच सामने आ चुका है और मुस्लिम पक्ष का लोकतांत्रिक हक है कि वो इस लड़ाई को जारी रखे और जो उसका दावा है उसके लिए लड़ता रहे, ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 2.5% लोग हैं। 2.5% लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम पक्ष का भी दावा मजबूत है। सवाल नंबर 3 भी जरा जल्दी से दिखा दीजिए, उसका भी रुझान एक बार जल्दी से दिखाइए। हमने सवाल किया था कि भोजशाला विवाद पर हो रही सियासत को कैसे देखते हैं आप, और इस पर करीब 43% लोग कहते हैं कि विपक्ष की सियासत शर्मनाक है और ये तुष्टिकरण का काम कर रहा है विपक्ष, ऐसा मानने वाले लोग करीब 26.5% हैं। और करीब 30% लोग ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार में ही ये न्याय मुमकिन है कि भोजशाला का विवाद का भी निपटारा हो जाए। तो ये है लोगों की राय, जो कि हमने सवाल 3 सवाल किए थे उस पर लोग क्या कह रहे हैं, ये लोगों की राय स्पष्ट हो गई है अब आपके सामने। असगर खान भाई, लोगों की राय तो अपनी जगह है ही, लेकिन लोगों की राय से भी महत्वपूर्ण बात है वो जो कि विज्ञान कहता है, जो कि आर्कियोलॉजी कहता है, जो कि जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई ये पुराने मंदिर को तोड़कर इस पर हड़बड़ी में आनन फानन में उसी मंदिर के टुकड़ों से पत्थरों से जोड़ तोड़ के और कुछ लाइमस्टोन के कुछ दूसरे पत्थर मंगा करके और इस ढांचे का निर्माण कर दिया गया है, ये असल में मस्जिद नहीं है। बस मैं 1 मिनट लूंगा आपका। मैं देखिए, मैं उन लोगों की जो आपने रिपोर्ट पढ़ी, मेरी नजर में वो प्लांटेड लोग हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं अपने आपके दूसरे सवाल पर मैं सिर्फ आता हूँ। मेरा सवाल, मैंने जो आपसे सवाल किए थे,
आपने उनमें से एक बात को भी ना किसी से क्लियर कराया है ना आपने खुद कौन सा सवाल एक एक करके पूछिए ना यही जवाब अभी ले लेते हैं। पत्थर उन्होंने क्यों लगाया जो मुगल इतने दौलत मैं एक मिनट साहब देखिए मेरी मैंने मैं आपके बीच में नहीं बोला आप मेरी सुन लीजिए मैं चाहता हूँ जो बात है हमारी भी पहुंचे लोगों तक और मुझे अक्सर ये लगता है कि जब दुखती रख पे हाथ रखो तो फिर बोलने लगते हैं नहीं चाहते कि सही बात पहुंचे नहीं नहीं बोलिए बोलिए ना बोलिए बोलिए तो सवाल तो करिए इतने दौलतमंद लोग थे जिन्होंने ताजमहल लाल किला कुतुब मीनार हिंदुस्तान में अजूबा बनाया हिंदुस्तान पूरी दुनिया अरे में उन्होंने नहीं बनाया लेकिन अजूबे साथ है उनमें से एक हिंदुस्तान में भी अरे वो तो वो जो रेगिस्तान से आए थे वो कम से पैसा लेके नहीं आए थे वो मैं आपकी उस पे भी आऊंगा अभी एक मिनट एक एक करके एक एक सवाल का एक एक जवाब ले लेते हैं एक सवाल का एक जवाब असगर खान रुकिए तो एक मिनट रुकिए अरे आप रुक जाइए बंसल साहब को आपने इनको बुलाया है इन्हीं को बोलने दीजिए नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपने एक सवाल किया ना कि भाई कि जिन्होंने तोड़ा एक मिनट जिन्होंने सुनिए मेरी बात कि जिन्होंने तोड़ा उन्होंने नया क्यों नहीं बनाया क्योंकि जो तोड़ने वाले थे वो बनाने की नियत से नहीं आए थे पहली बात वो सिर्फ तोड़ना उनकी नियत थी उनकी उनकी नियत बनाने की नहीं थी और पहली बात उनको जले पे नमक छिड़कना था उन्हें अंदाजा नहीं था कि 700 साल बाद इस देश का इतिहास जाग कर पूछेगा अपनी आवाम से और कहेगा कि भाई हमारा इंसाफ करो और वो इंसाफ अब हो रहा है असगर खान यही चक्कर है कि आपकी दुखती रख पे मैंने आपको आपके सवाल का जवाब दे दिया कि जो तोड़ने वाले थे वो बनाने के लिए नहीं आए थे वो तोड़ने आए थे उन्होंने तोड़ दिया और तोड़कर उसी के मलबे से जोड़ तोड़ करके एक 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 सो कॉल्ड मस्जिद खड़ी कर दी तो आप मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड हड़बड़ी में बनाया बिल्कुल ये एसआई की रिपोर्ट कहती है क्योंकि एक भी पत्थर सिमेट्रिकल तरीके से नहीं लगा हुआ है उसको देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि जिसने इसको बनाया उसका बनाने का कोई मकसद रहा होगा उसका मकसद सिर्फ जले पे नमक छिड़कना था उस वहां पर एक मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना उसका मकसद था और वो उसने अपने मकसद में कामयाब रहा बात नहीं करना चाहिए इस मुल्क में नफरत फैलाने वाली बात मत करिए मुल्क से प्यार करिए ये तो आप खुद ठीक है तो नफरत फैलती है ये डिबेट की बात करें तो प्यार बनता है ठीक है देखिए जो भी एक मिनट इस ढांचे से जुड़ी हुई जो भी हकीकत है इसकी वो अब स्पष्ट हो चुकी है और उसको लेकर एक साइंटिफिक सर्वे के रूप में एक बहुत ही ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट सामने आ चुका है जो कि हाई कोर्ट में भी सबमिट किया जा चुका है। अब फैसला हाई कोर्ट को करना है कि ये कमाल मौला मस्जिद है या देवी सरस्वती का मंदिर। तो ये इस बहस को हम यही विराम देते हैं क्योंकि वक्त हमारे पास इतना ही था। देश का मूड मीटर में अब वक्त है कि आज के जो चार लकी वोटर हैं उनका नाम अनाउंस करने का। और आज जो चार लकी वोटर हैं उनमें से रंजीत चौरसिया हैं मध्य प्रदेश के, किरण बाला राजस्थान की हैं, संध्या सिंह उत्तर प्रदेश के और गजेंद्र सिंह राणा हिमाचल प्रदेश के हैं। इनके मोबाइल का आखिरी चार डिजिट हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इनको मूड मीटर की तरफ से मिलता है इनाम। और देश का मूड मीटर में आज इतना ही, लेकिन नवभारत पर खबरों का सिलसिला जारी है।